मैं इससे टोस्ट कर लेती हूँ। चीयर्स। क्या प्रॉब्लम क्या है? मेरी खुशी में शामिल नहीं होना चाहती? ना मुझसे ढंग से बात करती हो, ना हंसती हो, खुश नहीं हो क्या यहाँ पे काम करके? ऐसी कोई बात नहीं, आप बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। मैं ठीक हूँ, मैं जैसी थी मैं वैसी हूँ। कोई जरूरत नहीं खुशी बनाने की, लेकिन ये डॉक्टर के बहाने मेरे सामने मत बनाओ। कोई बच्चा नहीं हूँ मैं। बहाने नहीं दे रही, मैं प्रेग्नेंट हूँ इसलिए मैंने भी। चार भारत के सीरियल ना उम्र की सीमा हो में विधि के मुंह से जाने अनजाने जय के सामने ये सच्चाई निकल गई है कि वो प्रेग्नेंट है। बस फिर क्या, ये सुनते ही बस फिर क्या, ये सुनते के साथ ही जय हैरान रह गया और अब उसके प्यार की सनक सर चढ़कर बोल रही है। एक मिनट, मैं सिर्फ एक कॉल करके आती हूँ। ओके आज मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि देव विधि के प्यार उसके सम्मान के रत्ती भर भी लायक नहीं है। कुछ कर जाए, तेरी विधि दिन बर दिन उसके शिकंजे में फंसी चली जा रही है। वैसे तो मैं बच्चे का बाप हूँ, लेकिन मैं भी थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा कनेक्शन बनाना चाहता हूँ। तुम समझ नहीं रही है, विधि को लेकर तुमने जो भी सपने देखे है ना, उसे मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा, क्योंकि विधि के हर सपने को पूरा करने का अधिकार सिर्फ मुझे है। क्या हो गया मेरी लंबी चौड़ी लेडी सिंघम को? मेरे हस्बैंड ने मुझे नोटिस भेजा है। मैं अपने क्लाइंट विक्रम मेहता की तरफ से आपको एक लीगल नोटिस देने आया हूं कि उन्हें आपके और मिस्टर जय शाह के अफेयर के बारे में सब कुछ पता है। आपको इस नोटिस का जवाब 15 दिन के अंदर देना होगा, वरना मजबूरन हमें आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेना होगा। बड़ा ही कमीना आदमी है। सॉरी तुम्हारा हस्बैंड या एक्स हस्बैंड हो, लेकिन सच्चाई मुझसे निकल गई। तुमने तो कुछ बताया नहीं ना उसे। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मामा। मैं इससे टोस्ट कर लेती हूँ। चीयर्स। क्या प्रॉब्लम क्या है? मेरी खुशी में शामिल नहीं होना चाहती? ना मुझसे ढंग से बात करती हो, ना हंसती हो, खुश नहीं हो क्या यहाँ पे काम करके? ऐसी कोई बात नहीं, आप बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। मैं ठीक हूँ, मैं जैसी थी मैं वैसी हूँ। कोई जरूरत नहीं खुशी बनाने की, लेकिन ये डॉक्टर के बहाने मेरे सामने मत बनाओ। कोई बच्चा नहीं हूँ मैं। बहाने नहीं दे रही, मैं प्रेग्नेंट हूँ इसलिए मैंने भी। जय जी, आप प्लीज ही ऑफिस में किसी से मत कहिए। इनफैक्ट आप ये बात किसी से शेयर मत कीजिएगा, हम इस बात को भी पब्लिक नहीं करना चाहते। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक मिनट, मैं सिर्फ एक कॉल करके आती हूँ। ओके आज मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि देव विधि के प्यार उसके सम्मान के रत्ती भर भी लायक नहीं है। कुछ कर जाए, तेरी विधि दिन पर दिन उसके शिकंजे में फंसी चली जा रही है। वैसे तो मैं बच्चे का बाप हूँ, लेकिन मैं भी थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा कनेक्शन बनाना चाहता हूँ। तुम समझ नहीं रही है, विधि को लेकर तुमने जो भी सपने देखे है ना, उसे मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा, क्योंकि विधि के हर सपने को पूरा करने का अधिकार सिर्फ मुझे है। क्या हो गया मेरी लंबी चौड़ी लेडी सिंघम को? मेरे हस्बैंड ने मुझे नोटिस भेजा है। मैं अपने क्लाइंट विक्रम मेहता की तरफ से आपको एक लीगल नोटिस देने आया हूँ कि उन्हें आपके और मिस्टर जय शाह के अफेयर के बारे में सब कुछ पता है। आपको इस नोटिस का जवाब 15 दिन के अंदर देना होगा, वरना मजबूरन हमें आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेना होगा। बड़ा ही कमीना आदमी है। सॉरी तुम्हारा हस्बैंड या एक्स हस्बैंड हो, लेकिन सच्चाई मुझसे निकल गई। तुमने तो कुछ बताया नहीं ना उसे। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मामा। अगर
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। आप तो अब सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।